नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में खाद्य आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस का कमर्शियल इस्तेमाल करने और अवैध रूप से गाड़ियों में गैस भरने के मामले को लेकर आज छापेमारी की। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर के कई रेस्टोरेंट में छापे मारे, जिसमें विभाग की टीम के द्वारा 7 घरेलू सिलेंडर और 6 मोटर जिसके द्वारा गाड़ियों में गैस भरी जाती है बरामद की गई। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज विभाग के द्वारा शहर के 7 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जा रहा था। वहीं मशीनों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की गैस गाड़ियों में भरी जा रही थी। इसके बाद टीम ने 7 घरेलू गैस सिलेंडर और 6 गैस भरने की मशीनें जब्त कर ली हैं। जिन स्थानों पर यह सामान बरामद किया गया है उनके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पर्पल की विशेष रिपोर्ट। जो अवैध रूप से कारों में गैस भर रहे हैं और छोटे सिलेंडरों से बड़े सिलेंडरों में भर रहे हैं, इसके लिए एक विभाग द्वारा ज्वाइंट कमेटी गठित करके भी छापेमारी की गई है। और छापेमारी के दौरान 7 सिलेंडर और 6 गैस भरने वाली मोटरें 7 स्थानों से बरामद की गई। तो कहाँ कहाँ से बरामद की गई है, किस किस इलाके में? ऑटो है, कारों में गैस भरता है, उसकी दुकान से 4 मोटरें और 1 सिलेंडर। सिटी कार गैस मीट मार्केट में है, वहां से 2 मोटरें। होटल लजीज सिरसा रोड फतेहाबाद से 3 सिलेंडर। फ्लेम्स ऑफ तंदूर रेस्टोरेंट सिरसा रोड फतेहाबाद से 1 सिलेंडर। फ्लेवर्स रेस्टोरेंट फतेहाबाद से 1 सिलेंडर। और होटल विप्सन SBI रोड फतेहाबाद से 1 सिलेंडर। तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी कार्रवाई, इनके सिलेंडर हैं और मोटरें हैं, सारी जब्त कर ली हैं। डीसी साहब से अप्रूव ले लिया हमने इनको जब्त करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है।